जोधपुर में बेखौफ बदमाशों में पुलिस का डर थोड़ा सा भी नहीं बचा है। जी हां, ताजा मामला चौपासनी हाउसिंग बोर्ड का है, जहां कुछ बदमाशों ने घरों पर पथराव करके राहगीरों के साथ मारपीट की है और साथ ही दो बाइक्स भी फूंक डाली। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों की बजाय स्थानीय लोगों पर लाठियां बांधनी शुरू कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन आपको बता दें कि शहर में खुलेआम बदमाशों के आतंक ने पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है और ऐसा ही एक और मामला जोधपुर से सामने आया है, जहां राहगीरों के साथ मारपीट की गई और यही नहीं, दो बाइकों में भी आग लगा दी गई और साथ ही इस पूरी वारदात में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है, अब पुलिस से भी नहीं डर रहे हैं बेखौफ। जोधपुर से एक घटना सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने राहगीरों के साथ मारपीट की, घर पर पथराव किया और साथ ही दो बाइकों को भी फूंक डाला। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ एवन संवाददाता दयाल सिंह फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दयाल, क्या बताएं, क्या कुछ था पूरा मामला? ठीक है, देर रात की घटना है। कुछ युवक जो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर के तीसरी पुलिया चौथी पुलिया हमें कहीं घूम रहे थे, ऐसे में मोहल्ले वालों ने उन्हें रोका, देखा तो वो लड़ाई करने पर उतरा है और बदमाशी करने पर उतरा है, साथ ही स्थानीय निवासियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। ऐसे में जब घर के लोग बाहर आए तो उन्होंने घरों के पत्थर फेंकते शुरू कर दिए, फिर जब ज्यादा लोग बाहर आ गए तो गिर गए तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और लोगों को फोन करके बुला दिया, जिससे पीछे 15-20 युवकों ने मोहल्ले के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 4-5 लोग घायल हो गए और जो युवक आए उसमें जिससे भी 4-5 लोग घायल हुए, उन्हें MDM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही जो बदमाशी करने के लिए स्थानीय जो बाहर से आए थे लड़के, उन्हें पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। जी दयाल, ये बताएं कि एक अपराधी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कितने कुल बदमाश बताए जा रहे हैं? इसमें करीब 15-20 लोग शामिल है और तीन जो मुख्य आरोपी है जो बाहर से आके सबसे पहले जो बदमाशी शुरू की थी, उन लोगों को पुलिस ने अभी हिरासत में ले रखा है। जी दयाल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से जोधपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर बेखौफ बदमाश लगातार हुड़दंग मचा रहे हैं और साथ ही कई लोगों पर पथराव किया और राहगीरों से मारपीट की और साथ ही दो बाइक भी जला डाली।